दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं अब्दुल रज़ाक रेडियो टैक्सी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो का जब मैं रिसर्च कर रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए, तो मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ हूं। तो आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। फिलहाल अगले 5-7 मिनट के लिए अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तो उस काम को रोक दीजिए, या फिर इस वीडियो को रोक करके उस वक्त सुनिए जब आप 5-7 मिनट एकदम फ्री रहेंगे। आने वाले समय में दो नए तरह के टैक्स जो है वो टी परमिट, जो टूरिस्ट व्हीकल है, जो कमर्शियल व्हीकल है, जो येलो पट्टी गाड़ियां हैं, जो आज हम लोग ज़्यादातर लोग चला रहे हैं ओला उबर या ऐसी किसी भी कंपनी में, जो कि टैक्सी परमिट नहीं है। दो अलग तरह के परमिट होते हैं, एक टैक्सी परमिट जो काली पीली चलती है, एक टूरिस्ट परमिट जो येल्लो पट्टी गाड़ियाँ होती है। आज के वक्त में टूरिस्ट परमिट गाड़ियां टैक्सी के तौर पे धंधा कर रही हैं, लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो टूरिस्ट परमिट जो गाड़ी होती है, जो कमर्शियल गाड़ियां जिस पे हम लोग सवारी लेकर के जाते हैं, वो जो परमिट होता है वो एक सिटी से दूसरे सिटी, एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या फिर अगर लोकल में भी हम लोग चला रहे हैं तो पूरे दिन भर की जो बुकिंग होती है, जैसे कि अगर समझो मुंबई दर्शन हो गया या पूरे दिन के लिए किसी ने गाड़ी बुक करी है, वो उस चीज़ के लिए टूरिस्ट व्हीकल गाड़ी होती है, जो कमर्शियल व्हीकल गाड़ी है, जो आज के वक्त में पॉइंट टू पॉइंट टैक्सी के तरह जो धंधा कर रहे हैं उसका परमिट टूरिस्ट व्हीकल कमर्शियल व्हीकल को नहीं होता है, टी परमिट गाड़ी को, लेकिन फिर भी चल रहा है तो सब कुछ चल रहा है। तो जो टूरिस्ट व्हीकल गाड़ी है, कमर्शियल व्हीकल गाड़ी है, उसको दो नए तरह के टैक्स जो है वो सरकार लगाने जा रही है। एक्चुअली एक जो टैक्स है वो तो लग चुका है, लेकिन फिलहाल अभी इसलिए नहीं ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, क्योंकि जो COVID-19 का जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट का, कि 30 जून 2021 तक किसी भी गाड़ी का अगर RTO का कोई पेपर ख़त्म भी है तो उसे रोड पर RTO जो है वो परेशान नहीं करेगी। इस वजह से एक जो टैक्स है जो लागू हो गया है, लेकिन फिर भी अभी रोड पर RTO उस टैक्स के बारे में नहीं पूछ रही है। उस टैक्स का नाम है ऑथोराइजेशन परमिट। दूसरा एक टैक्स है जो कि अभी आया नहीं है, लेकिन उसके लिए फाइट चल रही है बहुत सारी यूनियन के द्वारा, बहुत सारे अलग अलग संस्थाएं हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं उसके अंदर शामिल, जो कि सिटी टैक्स स्कीम 2017, जो स्कीम बहुत पहले आ चुकी थी लेकिन लागू नहीं हो पाई थी, उस स्कीम को लागू करवाने के लिए भी फाइट चल रही है, जो कि उम्मीद बताई जा रही है कि आने वाले कुछ समय में वो जो स्कीम है सिटी टैक्स स्कीम वो लागू हो जाएगी। उसी का एक नाम कैब एग्रीगेटर स्कीम भी है। तो ये दो तरह के परमिट आ रहे हैं, एक है ऑथोराइजेशन परमिट, एक सिटी टैक्स स्कीम परमिट। जो ऑथोराइजेशन परमिट है वो सालाना ₹25,000 आपको भरना होगा। जो सिटी टैक्सी स्कीम है, अगर वो आ जाता है तो आपको वन टाइम बताया जा रहा है कि ₹25,000 भरना पड़ेगा। सिटी टैक्सी स्कीम के बारे में हम लोग इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में दोनों चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सिटी टैक्सी स्कीम के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से जानकारी लेंगे, क्योंकि फिलहाल अभी वो स्कीम आया नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा ऊपर ऊपर से ही जानेंगे। बाकी जो ऑथोराइजेशन परमिट है वो आ चुका है, वो लागू हो चुका है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ऑथोराइजेशन परमिट जो है वो ईयरली सालाना ₹25,000 का होने वाला है। ये जो परमिट है वो हर एक टूरिस्ट व्हीकल को लेना होगा। फिलहाल अभी के हिसाब से अगर बताया जाए ये लागू हो चुका है। आप जिस वेबसाइट से रोड टैक्स भरते हैं, वाहन 4.0 सिटीजन सर्विस, वहाँ पर जब आप रोड टैक्स भरने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि रोड टैक्स के नीचे एक और टैक्स आपको दिखाया जा रहा है। वो टैक्स अभी आपसे नहीं मांगा जा रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल COVID-19 का जो रूल है वो चालू है, यानी कि शायद अगर उम्मीद है कि ये 30 जून के बाद अगर वो स्ट्रिक्टली लागू हो गया तो आपको भरना पड़ेगा, जो कि सालाना 25,000 होगा हर एक टूरिस्ट व्हीकल को। जो भी गाड़ी आज के वक्त में टूरिस्ट व्हीकल है, येल्लो पट्टी गाड़ी, हर एक गाड़ी को लेना पड़ेगा फिलहाल अभी के हिसाब से। इस परमिट का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये परमिट का फ़ायदा जो गवर्नमेंट बता रही है, जो कि जिन लोगों ने इसे लागू किया है वो लोग बता रहे हैं, वो फ़ायदा मैं बता रहा हूँ, मैं अपने तरफ से फ़ायदा नहीं बता रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये बताया जा रहा है कि जो आप आउट स्टेशन जाते हो अगर, तो आपको हर एक स्टेट के बॉर्डर पे टैक्स भरना पड़ता है।
तो हर एक बॉर्डर पे अलग अलग टैक्स अमाउंट है जो कि आपको भरना पड़ता है। अगर आप ये ऑथोराइजेशन परमिट 25,000 रुपये का ले लेंगे तो इसके बाद आपको हर एक स्टेट के बॉर्डर पे अलग अलग टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। आपको वही एक 25,000 जो है वो पूरे एक साल आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कर्नाटक की तरफ अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर टूरिस्ट व्हीकल वहाँ जाने के लिए बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शायद मेरे ख्याल से 16,000 या इसी के आसपास कुछ अमाउंट है जो कि टैक्स के तौर पे लिया जाता है। अगर आप एक दिन के लिए जा रहे हैं या एक साल के लिए जा रहे हैं, आपसे 16,000 के आसपास का अमाउंट है जो आपसे टैक्स के तौर पे लिया जाता है, वो टैक्स फिर नहीं भरना पड़ेगा अगर आप ये 25,000 वाला टैक्स कटवा लेंगे। अब जैसे आप और किसी स्टेट जाते हैं तो छोटा मोटा भी टैक्स होता है, 100, 200, 300, 400, ऐसा अलग अलग अमाउंट होता है। तो जो भी अमाउंट होता है स्टेट बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, वो टैक्स आपको नहीं कटवाना पड़ेगा ये 25,000 वाला टैक्स भरने के बाद। तो ये फायदा बताया जा रहा है कि एक तरह से ये वन टैक्स हो जाएगा ऑल इंडिया के लिए, वन नेशन वन टैक्स वाला रूल ये हो जाएगा। अब आने वाले टाइम में अगर सिटी टैक्सी स्कीम आ जाती है, सिटी टैक्सी स्कीम 2017 जो कि आ करके अटक गया था, जिसके बहुत सारे फायदे और कुछ नुकसान भी बताए जाते हैं, तो वो सिटी टैक्सी स्कीम का सबसे बड़ा फायदा एक मैं बता दूं आपको कि रेट चेंज हो जाएगा। रेट जो आज डिमांड करते हैं लोग, जो भी डिमांड करते हैं, लगभग वो रेट सिटी टैक्सी स्कीम आने से ड्राइवरों को मिलेगा। सिटी टैक्सी स्कीम जो है उसमें कुछ नुकसान भी है छोटे छोटे, कि आपको अलग से परमिट लेना पड़ेगा, आपको अपनी गाड़ी कलर करवानी पड़ेगी, आपको एक यूनिफॉर्म होगा। वैसे तो यूनिफॉर्म ऑल ओवर इंडिया है ऑलरेडी है, लेकिन किसी किसी जगह पर वो यूनिफॉर्म वाला रूल फॉलो नहीं किया जाता है। तो वो सिटी टैक्सी स्कीम में आने के बाद आपको प्रॉपर, मतलब सारे जो रूल्स रेगुलेशन जो काली पीली टैक्सियों पर लागू होते हैं वो आपके ऊपर भी लागू होंगे, और जो काली पीली टैक्सी वालों को जो सरकार की तरफ से जो जो सहायता मिलती है, जो जो सपोर्ट मिलता है, जब जब भी कुछ अगर प्रॉब्लम आती है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो उनका रेट बढ़ाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें फिर आपको भी मिलेगी जब आप सिटी टैक्सी स्कीम में आ जाएंगे तब। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब सिटी टैक्सी स्कीम अगर आ जाती है, आप उसका परमिट ले लेते हो, तब आपको सिटी टैक्सी स्कीम के तहत लोकल टैक्सी का जो ओहदा है वो मिल जाएगा। अब जो लोग ये 25,000 रुपया ऑथोराइजेशन परमिट का भरेंगे, और जब अगर सिटी टैक्सी स्कीम आ जाती है और वो सिटी टैक्सी स्कीम में जाना चाहते हैं, तो सिटी टैक्सी स्कीम का भी टैक्स होगा 25,000 रुपया। तो जब आप वो 25,000 भर करके सिटी टैक्सी स्कीम में आ जाओगे, फिर आपका ये वाला परमिट अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ऑल इंडिया वाला परमिट अपने आप कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप लोकल टैक्सी के परमिट में आ जाओगे। और लोकल टैक्सी के परमिट में आने के बाद में आपको फिर जब जब आपको बाहर अगर जाना है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। यानी कि अगर आप सिटी टैक्सी स्कीम में जाओगे इन फ्यूचर, तो आपका ये 25,000 रुपया वेस्ट हो जाएगा। और अगर आप आउट स्टेशन गाड़ी चलाते हो, अगर आप जब अगर ये दोनों परमिट आ जाएंगे, अभी फिलहाल एक आ गया है, एक अभी चालू है काम उसका, लगभग 6 महीने में बताया जा रहा है कि आएगा। तो जब दोनों आ जाएंगे और सिटी टैक्सी स्कीम 2017 अगर लागू हो जाता है, तो जो भी गाड़ी लोकल धंधा करना चाहती है किसी भी कैब एग्रीगेटर के पास, उसको वो सिटी टैक्सी स्कीम वाला परमिट लेना पड़ेगा। तो अगर आप वो सिटी टैक्सी स्कीम वाला परमिट ले लोगे तो आप आउट स्टेशन नहीं जा पाओगे, और अगर आपको आउट स्टेशन जाना है, आउट स्टेशन में ही धंधा करना है, तो आप सिटी टैक्सी स्कीम का परमिट नहीं ले सकते हो। मतलब दोनों फिर अलग अलग गाड़ियां हो जाएंगी, लोकल के लिए अलग गाड़ी की कैटेगरी हो जाएगी, आउट स्टेशन के लिए अलग गाड़ी हो जाएगी। मतलब एक सेम गाड़ी दोनों जगह पे धंधा नहीं कर पाएगी, कि लोकल भी चले, लोकल परमिट भी ले ले, और आउट स्टेशन भी चले, आउट स्टेशन का भी परमिट ले ले। जो गाड़ी सिटी टैक्सी स्कीम में जाना चाहेगी उसे सिटी टैक्सी स्कीम का परमिट लेना पड़ेगा, जो गाड़ी आउट स्टेशन चलना चाहेगी उसे आउट स्टेशन का परमिट लेना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ रूल आने वाला है, जिसमें से एक तो लागू हो गया है, दूसरा आने वाला है। तो इस बारे में आप लोग कमेंट करना अगर हो सकता है, शायद मैंने कहीं पे कुछ गलत बताया हो, अगर आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं इस बारे में तो आप बेशक नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे करेक्शन कर सकते हैं, मुझे सही कर सकते हैं। ये जानकारी मैंने बहुत अलग अलग सोर्सेस से जमा करी थी, तो हो सकता है शायद मुझसे भी कोई गलती हो जाए।
लेकिन जहाँ तक है मैं अभी तक जो है शायद मैं ठीक ठीक ही बता रहा हूँ। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है और आपको ये जो मेरी मेहनत थी जो मैंने आपको बताया, इतनी सारी जानकारी जमा करके एक वीडियो में समझाने की कोशिश की है और जो इतनी गर्मी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे।